संजय सरवरिया, आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में हम बात करेंगे एक बड़ी खबर की, साइबर ठगी से जुड़ी हुई है। लगातार साइबर ठगी के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। कभी नौकरी के नाम पर ठगी की जाती, कभी टावर लगाने के नाम पर, तो कभी लोन दिलाने के नाम पर। इन तमाम ठगी को साइबर ठगी के रूप में देखा जा रहा है। दाऊ में ऐसी 11 शिकायतें प्राप्त हुई थी जिनमें लगभग 20 लाख रुपए की रिकवरी करके पुलिस ने लोगों के पैसे लौटवा दिए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से डॉक्टर कृष्ण कुमार अठिया वैशाली नगर, इनके 7 लाख रुपए हैं, श्याम अग्रवाल मोरगंज कल्ला मंडी जिनके 6 लाख रुपए हैं, प्रेम शंकर सोनकर थाना भटेगढ़ जिनके 4 लाख रुपए हैं, धनेश सैन थाना तेंदुखेड़ा 55,000 रुपए हैं, बिमला गोण के 38,000 रुपए हैं, लक्ष्मीबाई आदिवासी के 25,000 रुपए, शैलेंद्र सागर नाका 25,000, मलखान रजक मांगज बाट के 21,470 रुपए, श्यामलाल पटेल थाना नोटा के 20,000, अभय उपाध्याय थाना तारेदेही के 10,000 रुपए, श्रीमती लीला देवी गुप्ता दमोह के 1,25,000 रुपए साइबर ठगी के माध्यम से ठगे गए थे, जिसका आवेदन पुलिस में दिए जाने के बाद पुलिस ने इनके पैसे वापस लौटवा दिए। साथ ही जिन लोगों के मोबाइल गुम हुए थे वह भी वापस कराए गए। इस संपूर्ण कार्रवाई में साइबर सेल प्रभारी रमाशंकर मिश्रा, प्रधान आरक्षक सौरभ टंडन, प्रधान आरक्षक राकेश अठिया, अजित दुबे, कुलदीप ठाकुर, मधुर बड़गैया की महत्वपूर्ण भूमिका। दमोह पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक डीआर तेनिवार के द्वारा इस बात का खुलासा किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह हटा एसडीओपी, वीरेंद्र बहादुर सिंह हटा टीआई, एचआर पांडे विशेष रूप से मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति में जहां मोबाइल वितरित किए गए वहीं इन मामलों का खुलासा किया गया। आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं पुलिस अधीक्षक। विगत जो एक ट्रेंड चल रहा है कि साइबर ठगी ठगी के मामले, अज्ञात फोन आता है कि आपकी लॉटरी खुल गई है, अज्ञात फोन आता है कि हमको टावर स्थापित करना है, और भी अन्य कारण है कि आपकी नौकरी लगाना है, ऐसे करके बहकाव में आकर के लोगों से अकाउंट नंबर देते थे और पैसे जमा करते थे। जो ठगी के शिकार हुए उन्होंने, जिन्होंने टाइमली सूचना दी, यानी कि 24 घंटे के भीतर जिन्होंने सूचना दी है, हमारी साइबर सेल की टीम के द्वारा उनके पैसे अकाउंट होल्ड कराए गए उनके, और पैसे उनके वापस कराए गए। ऐसे करीब 11 आवेदक से 20 लाख रुपए अभी एक महीने के अंदर हमारी साइबर टीम के द्वारा वापस किए गए। मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि ऐसे ठगी करने वाले व्यक्तियों की बहकाव में ना आए, अपना जो मेहनत का पैसा है उनके खाते में जमा ना करें, क्योंकि ऐसा कोई ऑनलाइन के माध्यम से आपका जो इनाम के लिए, चिट फंड के लिए, टावर के लिए, ऐसा कोई कुछ व्यवस्था नहीं रहती है, लेकिन बहकाव में आ जाते हैं, बहकाव में नहीं आए। अगर बाई चांस शिकार हो गए हैं तो टाइम से स्थानीय पुलिस को खबर करें ताकि उनके पैसे वापस कर दिलाने की कार्रवाई की जा सके। मोबाइल भी दिए गए? हाँ, मोबाइल तो साइबर सेल का काम ही, जो मोबाइल घूम जाते हैं। पिछले सप्ताह भी करीब करीब 10 मोबाइल दिए गए थे, और एक सप्ताह के दौरान साइबर की टीम के द्वारा जो गुमशुदा मोबाइल थे उनको ट्रेस किया गया, और आज भी 8 मोबाइल जो है आवेदकों को वापस लौटाए गए, जिनकी कीमत करीब करीब 1 लाख रुपए उनको वापस लौटाए गए। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ, देखते रहिए संजय सरवरिया।